हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं चिकन चावल बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बारिश में खाने में बहुत ही मजा आता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 कलछुल भर की सरसों का तेल। गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे कुछ तरकारी सामान। तो यहाँ पे जीरा, मिर्च, तेजपत्ती, दालचीनी, लौंग, इलायची हमने ले रखा है, सभी को हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से तड़के को हम तड़का लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तड़का तड़कने लगा है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 किलो प्याज लिया है। गाइस, यहाँ पे हम जो प्याज बना रहे हैं तो 1 किलो चिकन के लिए 1 किलो प्याज काट रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम लहसुन, जिसे हमने छील लिया है। तो यहाँ भी हम लहसुन को अक्सर यूज करेंगे, क्योंकि जो प्याजा में कहाँ तक हो सके कड़ा मसाला यूज होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्याज लहसुन को हल्का सा सॉफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस यानी कि मसाला। तो मसाले में हमने यहाँ पे हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा, नमक ले रखा है, सभी को हम एक साथ डाल देंगे और प्याज के साथ हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने मसाला को प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे चिकन। तो यहाँ पे 1 किलो प्याज दिया था, 1 किलो चिकन लिए हैं। चिकन में हम ज्यादातर लेग पीस लिए हैं, बाकी भी पीसेस है। तो इसे हम डाल के अच्छे से भूनेंगे। पे हमने चिकन को प्याज मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम कवर लगा के इसे 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो गाइस, यहाँ पे 20 मिनट तक हमने मसाले में चिकन को पका लिया है। आप देख सकते हैं बिना पानी डाले कितना पानी छोड़ा है अपना चिकन, यानी प्याज गला है, लहसुन गला है। अब हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच भर के चिकन मसाला डाल रहे हैं। चिकन मसाला डालने के बाद भी हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, बीच बीच में हम कवर भी कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चिकन मसाला डालने के बाद अपने चिकन को भून लिया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी ठीक है। और यहाँ पे हमने प्लेट में ले लिया है राइस। राइस के ऊपर हम डालेंगे अपना गर्मा गर्म चिकन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म चिकन चावल बनके तैयार है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।